जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट करेगा ये वीडियो। अगर आप एक आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की एस्पिरेंट है या फिर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर आप भर्ती हो चुके हैं या फिर भर्ती होना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट क्या टेक्निकल होता है, क्या नॉन टेक्निकल होता है, उसके बाद क्या टेक्निकल को 7,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है इंडियन आर्मी में। उसके बाद आप ट्रेड लेते टाइम, जब आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती हो जाएंगे उसके बाद आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेगा, उस ट्रेड मिलते टाइम आप गलती ना करें ताकि आपकी जो 7-8 हज़ार का नुकसान है वो ना हो। ठीक है, हम देश की सेवा करते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ हम पर्सनली इंप्रूवमेंट भी करते हैं और ये सैलरी बहुत इफेक्ट करता है अपने जो अगले वाले सर्विस में। तो बेसिक से शुरू करेंगे। देखिए फौज में दो टाइप की क्या होता है एंट्रीज होते हैं, दैट मीन्स एक्स एंट्रीज एंड वाई एंट्रीज। तो टेक्निकल एंट्री मेनली नेवी और एयरफोर्स का भी देख लेना, वो एक्स ग्रुप में बोलता है टेक्निकल एंट्री, एक्स ग्रुप में लाइक जो एयरफोर्स का एक्स और नेवी का डबल है सॉरी आर्टिफिशियल अपेंटिस। और आर्मी में टेक्निकल एंट्री तो होता है लेकिन टेक्निकल एंट्री में बहुत सारे ट्रेड होता है, सारे टेक्निकल एंट्री को यहाँ पर एक्स पे नहीं दिया जाता है। एक्स एंड वाई में क्या फ़र्क है दोस्तों, देखो एक्स में क्या है आपकी जितनी सैलरी बनता है, मान लीजिए 32,000 आपकी सैलरी बना है 30,000, यहाँ पर ये वाई ग्रुप की आपकी सैलरी है कोई भी ट्रेड में। एक्स ग्रुप में यहाँ पर आपकी बनेगा कम से कम 38,000 अगर आप एक्स ग्रुप में जाते हो सेम डेट की आप भर्ती हो। कहाँ पर एक्स ग्रुप एक टेक्निकल पे आता है, उसमें आपको 6400 विथ डी ए वहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, आपकी बेसिक पे का 6400 के ऊपर डी ए भी मिलता है, तो लगभग 8 से 9 हज़ार की आपकी फ़र्क हो जाता है। तो नर्सिंग असिस्टेंट पहले क्या टेक्निकल है, यस टेक्निकल है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि सारे टेक्निकल तो है लेकिन टेक्निकल में बहुत सारे ट्रेड है इंडियन आर्मी में, बहुत सारे ब्रांच होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ आपको बहुत सारे ब्रांच होता है, हर ब्रांच टेक्निकल में आता है लेकिन हर टेक्निकल को एक्स ग्रुप नहीं मिलता है। ओके, तो हर टेक्निकल ब्रांच को एक्स ग्रुप नहीं मिलता है, तो कुछ ही एक ब्रांच है जो एक्स ग्रुप में मिलता है। देखिए कौन सी ब्रांच है, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा सोल्जर टेक्निकल क्लर्क, तो क्लर्क वाई ग्रुप में आता है, उसको कोई भी उसका कोई भी ब्रांच को नहीं मिलता है। यहाँ पर आता है एक टेक्निकल एंट्री, इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री, यहाँ पर एक ब्रांच है ईएमई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर का एविएशन ब्रांच। क्या होता है एविएशन ब्रांच, आर्मी एविएशन कोर के अंडर ईएमई के अंडर जो भी होते हैं एविएशन ब्रांच में काम करते हैं उनको एक्स ग्रुप टेक्निकल पे मिलता है, दैट मीन 6400 प्लस इसके ऊपर डीए मिलता है। सेम हम आते हैं टॉपिक में नर्सिंग असिस्टेंट की, नर्सिंग असिस्टेंट में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, मतलब स्टार्टिंग से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए आपको बताया हुआ है कि आपको क्या क्या ट्रेड मिलता है वहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट में, वो जाके वीडियो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कौन सा सबसे बढ़िया ट्रेड है वो भी बताया है मैंने। यहाँ पर जो एडीसी होता है, एएमसी में आता है क्या नर्सिंग असिस्टेंट, एएमसी में आता है आपको पता है आर्मी मेडिकल कोर में आता है, आर्मी मेडिकल कोर के साथ साथ दो और भी ब्रांच होता है, आपको नहीं पता होगा पता चल गया, एडीसी आर्मी डेंटल कोर और आरबीसी रीमाउंट वेटरनरी कोर, तीन ये भी मेडिकली ट्रेड है। कुछ तो जो आरबीसी में जाना चाहते हैं जिसको एनिमल हस्बेंड्री बहुत पसंद है एनिमल के साथ, वो आरबीसी में फॉर्म अप्लाई करके चले जाते हैं, जिसको एएमसी पसंद है नर्सिंग असिस्टेंट जो मतलब क्या बोलते हैं हमारे साथ डील करने की मतलब उनको बहुत ये है, तो ये क्या एएमसी में चले जाते हैं। एएमसी से एक ब्रांच है इसका एडीसी आर्मी डेंटल कोर, बिल्कुल अलग है एएमसी से। तो यहाँ पर जो नर्सिंग असिस्टेंट वहाँ पर भर्ती होते हैं सारे टेक्निकल भर्ती होते हैं, टेक्निकल भर्ती होने के बाद उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से उनकी जो ट्रेड टेस्ट होता है, बेसिक ट्रेनिंग के बीच में ट्रेड टेस्ट होता है, वहाँ पर क्या है उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको दिया जाता है ट्रेड। जो सबसे बढ़िया बंदा होते हैं, जो टॉप बंदे स्कोर करते हैं वहाँ पर, तो टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होता है बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपका टेस्ट 100 मार्क का है यहाँ पर, तो 100 मार्क के आपको मिलिट्री आएगा, मिलिट्री में 50 मार्क और सिविल से आएगा आपको 50 मार्क। ठीक है, सिविल से कुछ भी पूछ सकता है, जनरल साइंस में सारे क्वेश्चन पूछ लेगा, मिलिट्री के बारे में आपने जितना बेसिक ट्रेनिंग आपको सिखाया है उसके बारे में, कोर एंड कमांड, आप इंडियन आर्मी में कितना रुचि रखते हैं, साथ में आप सिविल के साथ कितने अटैच रहते हैं, इस हिसाब से ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट होने के बाद शाम को आपका हो जाएगा ट्रेनिंग में, और सुबह आप ट्रेनिंग करोगे शाम को ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, उस हिसाब से आपका जितने भी मार्क्स आएंगे, जो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है, जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे उनको मिल जाएगा यहाँ पर एडीसी यानी आर्मी डेंटल कोर। और ये डेंटल कोर एक टेक्निकल पे होता है वहाँ पर इंडियन आर्मी में, बाकी आप जिसमें भी जाते रेडियोलॉजी, उसके बाद एक्सरे ग्रुप में चले गए, वहाँ पर ब्लड टेस्ट में चले गए, लैब टेक्नीशियन चले गए और बहुत सारे फास्ट एड में चले गए, वहाँ पर डिस्पेंसर में काम कर रहे हो, वहाँ पर कोई भी टेक्निकल पे नहीं है, सिर्फ एडीसी कोर को टेक्निकल पे मिलता है यानी आर्मी डेंटल कोर। यहाँ पर आपको अगर आर्मी डेंटल कोर में जाना है
तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों वहाँ पर आपको अच्छा मार्क्स लाना होगा, यानी 80% अगर आप मार्क्स ले आते दोनों को तो आपको ADC कोर मिल जाएगा। यहाँ पर कितने लोग जाते हैं, मान लें वैकेंसी की बात करो हर साल नर्सिंग असिस्टेंट की, अगर एक बैच की बात करो 800 से 900 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। इनमें से कम 50 से लेके 75 बंदे ADC कोर के लिए सिलेक्ट होते हैं। कितने? ADC कोर के लिए। अगर वहाँ पर आपने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा दिया और अगर आपको ADC कोर वहाँ पर मिल गया तो आपके जो पे होगा वो टेक्निकल पे हो जाएगा। यानी क्या डिफरेंस आएगा, मान लीजिए रोहित मेरा साथी है, रोहित मेरा दोस्त है, ठीक है, वो नर्सिंग असिस्टेंट में काम कर रहा है, कोई भी ट्रेड में काम कर रहा है, उसको मिला लैब टेक्नीशियन या कोई भी काम, और मैं मनोज हूँ, मेरे को मिला ADC, मैंने अच्छे स्कोर किया और ADC में चला गया। अगर चॉइस ऑफ प्रेफरेंस भी मांगते हैं कि आप कौन सी ट्रेड में काम करना चाहते हैं, वहाँ पर भी ADC चूज़ कर लेना आपने। यहाँ पर हम दोनों ने काम किया, दोनों ने ट्रेनिंग किया, इसने नर्सिंग असिस्टेंट का जो ट्रेड मिला था उसने ट्रेनिंग किया, मैंने ADC का ट्रेनिंग किया, मेरे कोर AMC से ADC में चेंज हो गया, आर्मी डेंटल को चला गया। AMC से ADC कोर में ज़्यादा प्रमोशन फास्ट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप हवलदार बनते हो 10 से 12 साल में, वहाँ पर 8 से 9 साल में बन जाते हो, कहाँ पर? ADC में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसका फास्ट स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्स 40,000 जाता है, तो यहाँ पर जो रोहित की सैलरी होगा वो 40,000 होगा, लेकिन जो मनोज की सैलरी होगा वो 48 से 49,000 के आसपास होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, AMC से सीधा आ गया ADC में, और ये आ गया आपका एक्स ग्रुप से ये एक्स टेक्निकल ग्रुप में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8,000 का फ़ायदा हो गया। तो जब भी आप जाते हो, अगर देखिए काम तो सभी कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, वो डेंटल के लिए उसकी काम है, फार्मासी काम कर रहा है, GD काम कर रहा है, नर्सिंग असिस्टेंट का काम कर रहा है, अगर हमारे को थोड़ी सी मेहनत से अगर 8,000 का फ़ायदा हो रहा है, जैसे जैसे हम पेंशन जाएगा वहाँ पर भी ये चीज़ें फ़ायदा हमारे को होता रहेगा। तो इस हिसाब से कोशिश करना, आपको जब भी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो, ट्रेड टेस्ट होता है, तो यहाँ पर आप चॉइस ऑफ प्रेफरेंस ADC कोड दीजिए, ट्रेड टेस्ट में अच्छा करिए, नंबर्स लाइए, लाने के बाद आपको AMC से ADC कन्वर्ट हो जाएगा, और चॉइस ऑफ प्रेफरेंस अगर मांगता है तो वहाँ पर भी ADC दे दीजिए। तो अगर आपके हो जाता है 75 या 50 बंदे में अगर आप हो जाते हो तो आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। आप डेंटल की ट्रेनिंग करोगे, बाकी ट्रेनिंग आप नहीं करोगे, बेसिक नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेनिंग करोगे 6 महीना, फिर आप डेंटल की ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद आप आर्मी डेंटल कोर के सदस्य हो जाएगा। यानी बहुत सारे कोर होता है ना, आपने सुना RT, इन्फेंट्री, ADC, सप्लाई कोर, ASC, EME, AEC, आर्मी इंटेलिजेंस कोर, बहुत सारे कोर होते हैं ना, ऐसे आपकी ADC कोर हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर आप सिर्फ डेंटल में डील करोगे, सिविल में आओगे तो डेंटल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आई होप इस वीडियो में आपको नॉलेज मिला होगा। वीडियो को लाइक करना और कैसा लगा वीडियो नीचे कॉमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।